हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं वेजिटेबल पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसे बनाना कितना आसान है, और बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही हेल्दी और टेस्टी है। तो इस रेसिपी को आप बारिश के मौसम में ज़रूर बनाइए, टेस्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसमें हम सबसे पहले बेसन डालेंगे, यानी कि ग्राम फ्लोर। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच ग्राम फ्लोर लिया है। 3 चम्मच हम राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा लिए हैं, इसे भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस मिक्स करेंगे। तो इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूखे में मिक्स करने से क्या होता है, जब हम वेजिटेबल डालते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ में मिक्स होते हैं। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच हींग। बेसन में हींग और अजवाइन हो तो ये अच्छे से पचता है। अब यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि हमने खड़ा धनिया लिया है, जीरा और अजवाइन, इसे भी हम बेसन के साथ मिक्स कर देंगे। तो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते जाना है। अब हम बेसन में सब्जियां मिक्स करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाएंगे, तो मिक्स वेजिटेबल में हमने ग्रीन बीन्स लिया है, जिसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। पत्ता गोभी को बारीक काट लिया है। कैप्सिकम, ओनियन, कैरेट, जिंजर, ग्रीन चिल्ली। तो चलिए हम सब्जियां मिक्स कर लेते हैं। हमें ओनियन डाल देना है, कैरेट डाल देना है, कैप्सिकम, कैबेज, बीन्स। यहाँ पे आप और भी कोई सब्जी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिल्ली, कद्दूकस किया हुआ जिंजर। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे बेसन के साथ। ये वेजिटेबल पकौड़ा बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट होता है। हमने बेसन के साथ सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 4 चम्मच पानी, और इसे अब हम हाथ से ही मैश करेंगे, तो पकौड़े का टेस्ट अच्छे से तैयार होता है। ऐसे मसलते हुए सभी सब्जियों को बेसन के साथ हम मिक्स करेंगे। ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। हमने हाथ से मैसा तो 4 चम्मच पानी में अपने बेसन अच्छे से गीले हो गए। सब्जी में भी मॉइस्चर होता है, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, साथ में हम डालेंगे खाने वाला सोडा या मीठा सोडा, जो भी आप बोलते हैं, तो 1/2 चम्मच हम उसे भी डाल देंगे। तो हम अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने से पकौड़े में और भी पानी छोड़ता है। एक बार और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब देख सकते हैं हमने बेसन के साथ अच्छे से सब्जियों को मिक्स कर दिया, तो ये पकौड़ा डालने वाला स्टेज पे आ गया है, यानी कि ऐसे ही हम छोटे छोटे पकौड़े डालेंगे। तो इसे हम 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। एक कवर करके हम 10 मिनट छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम पकौड़ा का पेस्ट चेक करते हैं। तो हम कवर हटा देंगे।
आप देख सकते हैं पहले से ये लूज ही हो गया है। नमक डाल के हम लोग रखते हैं, यानी कि ऐसे ही हमें पकौड़े का पेस्ट तैयार करना था। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम एक छोटा सा पकौड़ा डाल के देख लेते हैं तेल अपना गर्म हुआ है कि नहीं। पकौड़े के तलने के लायक तेल गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं पकौड़ा अपना ऊपर तैर के आ जा रहा है। तो हम इसे निकाल दे रहे हैं और बाकी के पकौड़े डालेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा गर्म तेल रहेगा तो ऊपर से पकौड़ा जलने लगेगा और छोटे छोटे हम साइज के पकौड़े तलेंगे। क्योंकि ये वेजिटेबल पकौड़ा है तो हमें सब्जियों को अच्छे से सेंकना भी है। इसे छोटे छोटे एक बार में जितना पकौड़ा आ सकेगा हम तेल में छोड़ देंगे। एक साइड से हम 2 से 3 मिनट तक सेकने के बाद इसे फिर टर्न करेंगे। तो चलिए हम एक बार इसे उलट लेते हैं। कितना बढ़िया कलरफुल वेजिटेबल पकौड़ा अपना फ्राई हो रहा है। बारिश के मौसम में पकौड़ा तलने का मजा ही कुछ और होता है और उसमें ये मिक्स वेजिटेबल हो तो फिर क्या कहना। हेल्दी भी हो जाता है और स्वाद भी ले लेते हैं। तो हम दोनों साइड से 7-8 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छे से क्रिस्पी होने तक। हमने पकौड़े को 7 से 8 मिनट तक उलट उलट के फ्राई किया है। आपको दिखा दे रही हूँ इसका कलर एकदम ब्राउन हो गया है, यानी कि एकदम कुरकुरी पकौड़ा तैयार हुई है। तो हम छड़ने में इसे छान लेंगे, एक्स्ट्रा तेल गिरने देंगे। एक प्लेट पर हम किचन पेपर रखेंगे और उससे हम पकौड़े को निकाल लेंगे। कितना जल्दी और कितना सुंदर पकौड़ा बन गया। तो चलिए हम ऐसे ही दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं। छोटे छोटे पकौड़े हम तेल में छोड़ देंगे। दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। तो ऐसे ही हम झड़ने में टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल गिरने देंगे और प्लेट में निकालते जाएंगे। तो चलिए हम बाकी के पकौड़े भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। वेजिटेबल पकौड़ा बनकर तैयार है। आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है और खाने में इतनी सब्जियां है कि ये हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बारिश के मौसम में हेल्दी और टेस्टी पकौड़ा आप लोग भी बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।